बाकी जो समझ रहे हो ना कि तोर मौसा जो करते हैं, तोर फूफा जो करते हैं, जो पिताजी तोर करते हैं, वो हमने ना करते हैं और आजीवन ना करें। नमस्कार प्रणाम मगहिया जवान से, मैं गौतम सिंह राजपूत। चलिए, बड़ी लोग कह रहा था जी कि अपन गनवा के रिव्यू दो, अपन गनवा के रिव्यू दो। जी हाँ यार, आना है चलते हुआ, वो पोस्टर दिख रहा होगा हमारे, वो गाना आया था कि 56 इंच के सीना दिया, जिगरा जैसे शेर दिया, और यार भले एक तू दिया, बाकी मर्द दिलेर दिया। यारी भले एक से राहे, बाकी मर्द दिलेर दिया। अब लोग कह रहा था कि अपन गाना के बारे में बताओ, एकदम फटल आवाज है, एकदम खेसारी पवन चाह रहे हो कि बन जाए। भैया स्पेशली हम तोने की ससुरा गाना के रिव्यू देवे ले ही ना, और बतावे ले ही कि गाना में का खूबी है, यो का कमी है, समझ ले कि ना। अभी गाना है यार आना, एक तो दोस्तों पे बना है, सीधा तौर पे जान लो और समझ लो, बुझ ले बेटा कि एकरा में कोई दीदिया हो तो मौसी फुआ ना मिलेगी। यारों का सॉन्ग है। और दूसरी बात है जहां तक कि चोली चड्डी बनियान जो बनवा ढोड़ी, तोर फुआ मौसी के ना किए हैं गाना में, जैसे तोर मौसमन करता है, समझ रहे हो ना भोजपुरी के। तो ये गाना के भैया बेहतरीन रिव्यू है। अब कह रहे हैं इस गाना का तात्पर्य क्या है और कहना क्या चाहता है इस गाने के जरिए सिंगर। देखिए गाना क्या है कि भगवान से इसमें विनती कर रहे हैं, सावन का महीना है भोलेनाथ से, कि बाबा दोस्त एक ही दिया, यार एक ही दिया, बाकी मर्द एकदम दिलेर दिया। कुत्ता टाइप के भागे वाला या पीछे से भौके वाला मत दिया, एकदम विपत्ति में मरते दम तक साथ खड़ा रहे, ऐसा मर्द दिया हे भोले बाबा। और जिगरा अगर हम शेर के जैसा चाहिए, समझे कि ना, दहाड़ वहाड़ जिगर एकदम चाहिए कि अगर भाई के साथ हैं, यार के साथ हैं, दोस्त के साथ हैं, तो आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक हम खड़ा रहे। अब कुछ चिल्लर चोरों को मजा नहीं आया तो हित भाई सुन ले, समझ की ना। एक में पहले भी बता लियो कि तोर मौसी फुआ के ना रख ली हुए, कहे कि हमने यार हर है, राजन इसमें एक्टिंग किया है, निरंजन विद्यार्थी जो छोटे पावर स्टार हमारा भाई है, समझे कि नहीं, जिला औरंगाबाद किंग है भाई, और बड़ा सुरीली आवाज, बहुत बेहतरीन भाई ने पिरोया है गाने को, साथ में हमने भी अल्टरनेटिव लाइन को गाया है, एक लाइन वो, एक लाइन मैं, एक लाइन वो, एक लाइन मैं, नाम कमाने के ओवर स्मार्टगिरी के चक्कर में आता है तो बस छिलवा करके चला जाता है। भैया हमारा सिंगर बने का ख्वाब ना बचपन से था ना आगे भी है, लेकिन एक प्रयास रहता है जो हमें चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें जानते हैं, लगता है बीच बीच में कुछ उन्हें परोसते और देते रहे। बाकी ये गाना चलते हुए दिख रहा होगा आपको, ये 3-4 पोस्टर, बेटा लोग ये मौसे के गाना है जो आपको 1.5 मिलियन क्रॉस 2 मिलियन दिख रहा है ना, ये नया साल में हमने गाए थे खाला मगध वाला मुर्गवा, समझ रहे हैं, नहीं अपने गाना था, बाकी अश्लीलता पे गाना गाए थे हम लोग, फुहड़ता पे, बाकी छठ पे भी है, जेल न होई भी अपना ही गाना है, तो तमाम गाने लगभग एक दर्जन गाना हम गा चुके हैं, टूटी फूटी ही आवाज ही सही, लेकिन लोग का मजा इसलिए नहीं आता है कि साला नौकर दीदी होती है गाने में हमारे साथ में, न मौसी न फुआ, और हम वो करेंगे भी नहीं, न चोली होता है, न चड्डी, न ढोड़ी, न जुबनवा, और बाकी जो समझ रहे हो ना कि तोर मौसा जो करते हैं, तोर फूफा जो करते हैं, जो पिताजी तोर करते हैं, वो हमने ना करते हैं और आजीवन ना करेंगे। बाकी एक बेहतरीन प्रयास रहता है कि आप लोग को भी इंटरटेन किया जाए रोस्ट के साथ साथ। बाकी बाप के कुबत है तो कहना अश्लील गाने, है ना, हम हैं, अब अश्लील नहीं चलेगा। बाकी कल इंतजार कीजिए, कल उसी चैनल पे NS रिकॉर्ड पे जो हमारा याराना गाना आया था, एक और रैप सॉन्ग आ रहा है अब अश्लील नहीं, जिसमें एकदम बेहतरीन आवाज हमारे रॉ रजनीश रैपर है, एकदम प्रोफेशनल हो दिए हैं, साथ में हम भी है उसमें, राजन सिंह मुकुट भी है, समर अनुपस्थिति के कारण भाई नहीं रह पाया है दोनों किसी वीडियो में, नेक्स्ट टाइम आपको बेहतरीन बवाल सॉन्ग देखने को मिलेगा, हम सब भाई साथ होंगे। बाकी रिव्यू कैसा लगा ये तो आप बताइए जरूर, बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय मगध जय प्यार।